कुछ जो मेरी बच्चियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिनका दिमाग रोशन है और वसीह है, वो तंग तंग इतने इतने से मटर के दाने के बराबर, जिनके दिमाग नहीं है ना, और जो ये दो कानों के दरमियान अल्लाह ने इतना अच्छा ये दिया हुआ है दिमाग, वो इस्तेमाल करती हैं, वो बीच में रिप्लाई भी कर रही हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे लगता है कि वो जो मैंने जैसे आपको बताया था, चिकन बनाने की तैयारी हो रही है। वालेकुम अस्सलाम, आप पढ़े नमाज? जी चलिए ठीक है। शाजिया जी, बाजी जी, रोटी बना रही हो? हाँ, तो आप लोग पहले रोटी खा ले, फिर बना लेते हैं कढ़ाई। चलो बना लो। चलिए जी, ये साथ पहले खाना होगा, लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद फिर साजिद है ये। वालेकुम अस्सलाम, चिकन बना रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी, देखते हैं कि साजिद की रेसिपी क्या है। वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, लेकिन साजिद जो है वो किस रेसिपी से बनाता है चिकन, वो देखते हैं। मैं भी सीख लेती हूँ, शाजिया भी सीख लेती हूँ। हाँ, मैं तो बाजी रोटी बना लेती हूँ। हाय हाय हाय, तुम ये बेलन के बगैर नहीं बना सकती रोटी? उसके साथ बगैर भी बना लेती, बेलन के साथ ही बना लेती बाजी। चलो गुड। चलो जी, अभी यहाँ रोटी, आप लोग जब खाना खा लो तो मुझे बता देना, मैं ऊपर अपने कमरे की डस्टिंग कर रही हूँ। अब भाई, अभी कुछ ना पकाना, व्लॉग बनेगा। जब बाजी ऊपर कढ़ाई धर लेगा ना, तब आपको बता देंगे, ठीक है? हाँ, मैं ऊपर हूँ, जब कढ़ाई धर ले तो मुझे बुला ले। ठीक है। कहाँ तक पहुँचा है मामला? मसाला रेडी हो गया। अच्छा, मसाला रेडी हो गया जी। जी बस, खाओ खाओ, देसी काम है जी। अच्छा, ये क्या कुछ है इसमें बाजी? मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। क्या? लाल मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक, ब्लैक पेपर, ठीक है, और हल्दी, ठीक है, हसबे मामूल, सारा कुछ यहाँ पर जो है मसाला रेडी हो गया है। धनिया भी निकल चुका है। इधर आपने क्या किया? ये प्याज है बाजी, एक अदद प्याज, वो खुश्क है, एक अदद प्याज, वो दूसरा है उस वाला हरा वाला। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और जैसे कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस की थी, आज हम साजिद की रेसिपी फॉलो करेंगे कढ़ाई चिकन बनने की। तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं बख्तावर शाजिया तो बनाती रहती है, लेकिन अब साजिद क्लेम कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी कढ़ाई बनाते हैं। तो लेट्स सी कि आज कैसी कढ़ाई बनती है। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग कढ़ाई चिकन। अच्छा जी, वाह जी वाह, प्याज फ्राई कर लिया गया है। अब इसमें ये मसाला डालेंगे। अच्छा, आग आहिस्ता ही कर देनी चाहिए, नहीं तो कहीं ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। अच्छा चले जी, जब प्याज ब्राउन हुए तो उसमें जा रहा है ये सारा का सारा कूटा हुआ तो मुझे लगता है बड़ी मजेदार बनेगी। साजिद जी, आपने सीखा है या मतलब वैसे? अच्छा, हाँ बस थोड़ा ख्याल से, अगर प्यार से चीज़ बनाए तो अच्छी बन जाती है। वाह भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है लहसुन की, हैं? हाँ बात सही है। ये सीटियां कौन बजा रहे? अच्छा बच्चे हैं, मैंने कहा चौकीदार है। वाह भाई वाह, अभी लाल मिर्च भी डाली इसमें? सब कुछ ऐड कर दिया। अच्छा सब कुछ ऐड कर दिया, ये फाइनल लुक है मसाले की। अब डलेगा इसमें चिकन। ये ना वो शादी है कि साजिद हम सारों से नंबर ही ले गए। कोई बात नहीं भाजी, चंगे तो सही होता ही है ना। मैं ना दिखाएं, चिकन डूब गया। चलो ये हमारा चिकन है, वॉश हो गया, ठीक है। कट लग रहे हैं इसको।
कमाल हो गई है, कमाल खुशबू आ रही है। प्लीज आप लोग ये सीटियाँ इग्नोर करिए, ये सात सालों के बच्चे बजा रहे हैं। हाँ, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। ड्राइवर मुझे लगता है कि हमारे से नंबर ले जाएंगे। ये बच्चे सीटी काटने के गोल गोल बताएंगे, गोल गोल के सीधी चाल मच्छा में गाछ छड़ियां ने हां। तो अभी इन किस चीज ने सिर्फ धनिया चाहिए, धनिया ते नहीं बस थोड़ी जी क्रीम अगर है तो क्रीम, क्रीम रहने दे थोड़ा सा, वो ये है ना हम चाह रहे हैं कि जरा लाइट बने। हां ठीक है, फिर बाजू उसके दही ठीक है, वो दही ठीक है। ठीक है सारे, तुम कितनी जमाते पास हो? अंडर मैट्रिक, तो मैट्रिक भी कर लो, प्राइवेट कर लो। तो बाकी 35 साल उम्र हो गई है। मैं इल्म का कसम से, जब भी इल्म हासिल करने का दिल करे ना तो इल्म हासिल कर। मैं तो कहती हूँ पढ़ते जाओ, प्राइवेट दाखिला ले लो, किताबें लेके बैठ जाओ। अभी शाजिया क्या खांसी लग रही है? मैं नहीं, क्या बात है, खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है, अल्लाह का सबाई। हाँ लेकिन तुम्हारा एक पॉइंट उसने कम कर दिया कि मिर्चें सड़ रही हैं, खांसी आ रही है, टीका मारना पड़ेगा। तेज आग पे इसको फ्राई करना है। इसके अलावा और क्या बना लेते? ये तो कढ़ाई है ना, बिरयानी बना लेते हैं। अच्छा सही, मतलब वो जो, वाह जी वाह, अगला प्रोग्राम बिरयानी का। और वो चलिए तो साग, साग बना लेते हो? मकई की रोटी वाली वो भी। अच्छा ठीक है, ये साग वाला प्रोग्राम भी करेंगे, बल्कि मेरा तो दिल चाहता है कि छत पे बनाएं, खूबसूरत मौसम हो और उसमें हम साथ साथ काट काट के हांडी में डालते जाएं और वो साथ साथ जो है वो बैठता जाता है ना। नहीं सर शादिया चखो, नहीं मैं चखू, चम्मच बस, सिर्फ चम्मच मेरे आगे कर दो, ये है ना, थोड़ा सा नमक नहीं डाल देती मुझे अंदाजा, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बहुत यमी। लो जी ये गया, थोड़ा और नमक, ये मुझे लगता है कि ये मसाले वाली जो है ना वो चिकन है, कढ़ाई नहीं है, चिकन मसाला। दोबारा चेक कर लीजिए, तो नमक डाला ना तो ठीक, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी दही डलेगा, फ्राई करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो जल्दी से हम अगर कर देंगे ना तो फिर वो जायका नहीं रहता, इसलिए अच्छा सा फ्राई हो जाए ना तो फिर उसका मसाला जो है मुर्गी में बिल्कुल भूटने जो है वो आपको जायका देगा। जल्दी से करना तो उसका फ़ायदा नहीं बनाने, ठीक है, मुर्गी तसली से बनती है मज़े से, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी इसको खिलावा पानी डालो और ख़त्म, नहीं इस तरह नहीं। ये बात जो मैंने सीखा, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रही है कि मतलब भूनना और फ्राई करना थोड़ा टाइम देना लाजमी। अब हम जो पानी इसमें ऐड करना वो पानी नहीं, पानी की जगह हम दही डालेंगे, उसी में ये जो मुर्गी आपकी कढ़ाई तैयार हो जाएगी, गल जाएगी, इसीलिए हम इसको ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं क्योंकि जो कमा पेशी होगी वो दही के साथ ख़त्म और आपका टेस्ट भी वैसा का वैसा। तो आपका मतलब है आधी मुर्गी तो फ्राई करते करते गल जाएगी, जाएगी और बाकी जो है वो दही के साथ गल जाएगी। वाह भाई वाह, गुड टिप। ये देख लो, मतलब ये देखो कुकिंग जो है ना ये अकल की बात है, इसमें कोई औरत और मर्द का वो नहीं है, जो भी शौक से बनाए, प्यार से बनाए, अकल इस्तेमाल करके बनाए तो खाना अच्छा बन जाता है। सही कह रही, और खाना अच्छा बनाना, किसी को खिलाना, ये भी मैं कहती हूँ एक
अजर एयर लाइन मेरा जिंदगी का जी पहला है ये इम्तिहान 35 साल की जिंदगी में हाँ। और बाजी को मैंने जैसे बताया तो उन्होंने मुझे इस इम्तिहान में डाल दिया जी हाँ। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह लुक तो अच्छी लग रही है अभी अल्लाह खैर करेगा हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये भी शादिया सास की चाहिए शादिया ये कढ़ाई बनाकर अपने बच्चों को खिलाना हाँ, बिल्कुल, 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 इस वाले दिन बनाएंगे वाइट कढ़ाई जब आप कहेंगे हाँ बनाएंगे वाइट कढ़ाई में अभी मेरे ख्याल में आप तो लाल मिर्च नहीं डालोगे और ना हल्दी भी नहीं डालेंगे उसमें ब्लैक पेपर का ज्यादा इस्तेमाल होता है ठीक है हाँ क्रीम का होता है हैं अब ये देखेंगे आपका मसाला बिल्कुल जो पीस है उनके साथ बिल्कुल परफेक्ट है जब हम नहीं डालेंगे तो जब वो नहीं खुश्क हो जाएगी फिर भी ये इसकी लुक वैसी की वैसी रहेगी अच्छा मुझे लगता था शायद सफ़ेद हो गया नहीं नहीं थोड़ा सा होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा ये सारी जो वाइट कढ़ाई भी बनाएंगे वाइट कढ़ाई का बड़ा शौक है हम सबको अब क्या बारी आ गई दही हल्का सा पानी डालना अच्छा गाइस इसमें इन्होंने कोई भी वो जो मिक्स मसाले होते हैं वाइट कढ़ाई मसाला कढ़ाई मुर्गी कढ़ाई मसाला नहीं डाला बल्कि जो नॉर्मल नमक मिर्च वगैरह हल्दी है वो डाला वाह ऐसे लग रहे हैं 5-star होटल में जो बन रहा होता है ना मामला वाह अब ऐसा नहीं है कि ये हमारे ड्राइवर सिर्फ गुड कुक है ये बहुत अच्छे अच्छी गाड़ी ड्राइव करते हैं ये भी मैंने कहा मैं सारों को बता दूं अब तो मैं और मुजीब भी जो है ना वो मिल के खाना बना लेते हैं अगर टाइम हमारा नहीं हमारे निकल आया ये क्या धो रही हूँ धनिया तो इसमें से धनिया निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा अच्छा मुझे लगता है फाइनली अब इस काफी ये फ्राई हो गई है ये हम इसमें डाल रहे हैं दही कितना है 2-3 चम्मच तो होगा नहीं तकरीबन पाव नहीं आधा पाव के करीब है जी और वैसे साजिद की रेसिपी में वो गया था क्रीम भी डालें लेकिन वो फिर हमने नहीं बोल भाई हमने का ज़रा हैवी हो जाएगा सीन इस तरह भाजी अगर थोड़ा स्पाइसी हो भी जाए तो ये जो दही है ये उसको थोड़ा खत्म कर दे न्यूट्रल न्यूट्रल हो जाएगा गाड़ी की जबान होंगे नान मैं तो कहती हूँ अभी दम पे पड़ा रहे और मैं बेतहा आसान है ये है ना मेहमान आ रहे हो तो झटपट बनेगा ये कितना टाइम होगा हाँ नहीं वो वैसे मसाला तो तैयार करने में टाइम लगा मसाला हर बंदा तो नहीं ना कर सकता तो धनिया आप एंड में डालेंगे जी बिल्कुल अच्छा हम उतारेंगे तो उसके बाद फौरन थोड़ा सा टाइम पर क्योंकि धनिया डाल देंगे तो उसकी जो खुशबू है ठीक है थोड़ी देर के लिए उसकी जो स्टीम उसके साथ बिल्कुल वो धनिया में जो पानी होता है वो भी खुशबू होता है और जब बाजूकात होता है कि मैं भी देखता हूँ वीडियो में कि धनिया जो है वो आप ऐसे उठाया किया और डाल दिया उसमें पानी होता है लेकिन वो पानी जो होता है फीका वो जायका चेंज कर देता है साथ में बिल्कुल इसलिए आप धनिया डालो उसको थोड़ा सा स्टीम होने दें ताकि वो उसका असर ताकि वो उसका और वैसे भी कहते हैं कि धनिया जो है वो हाजमेदार भी है अच्छा कितने थोड़ी सी चुटकी भर हम डालेंगे अगर भाई आपकी जरूरत हाँ हाँ मेथी डाल लें और कितना देर दम रहेगा ये तकरीबन कुछ 5-10 मिनट तो लगेगा हाँ ताकि गल जाए ये भी ना हो कि हम उसका खुशबू देते रहें हाँ। जब खाएं तो
सख्त हो जी। ठीक है, अब ये स्टेज जो है इस पे ये चला जाएगा दम पे 5 से 10 मिनट, और फिर एंड में डलेगा धनिया। मेथी कब डालनी है? वो बाजार वो तो बिल्कुल एंड पर होता है, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है वो खुश्क तो खुद पहले से होती है, बस एंड पर जब आप स्टार्ट करना चाहें तो जब जैसे आप दम से उतारे ठीक है थोड़ा सा डाल दें। ठीक है, खुशबू के लिए सही हो गई बात। और गर्म मसाला नहीं ऊपर थोड़ा सा डाले, टू मच हो जाएगा? नहीं नहीं भाजी, वो तो उसका फिर जायका नहीं है। पर ये सालन तैयार, अब आप ऊपर से गरम मसाला डालें तो वो आपके हलक को जब खाएंगे तो जलेगा, हाँ फिर फायदा नहीं। ठीक है जी, साजिद कह रहे हैं कि ऊपर सिर्फ अब डलेगा 5 से 10 मिनट के बाद, इसमें सूखा हुआ मेथी और साथ ही थोड़ी सी सूखी मेथी और साथ धनिया। हल्का हल्का देखें, अब इसमें घी छोड़ना शुरू कर दीजिए। शादिया ने काटा है, धनिया हमारे पास बहुत थोड़ा सा बाकी, गुजारा किया बहुत है, बहुत है, ज्यादा धनिया फिर वो मुझे भी पसंद। मैंने कहा था जब दही डालूं, हाँ ओए हो क्या टेस्ट आया निखर के, मजा आ गया सच में भाजी, हाँ कसम से। हल्का हल्का खट्टा, क्योंकि ये दही थोड़ा खट्टा था, ये जैसे ही हम वो उसको रखेंगे ना भाई दम पर, हाँ दही बिल्कुल उसकी चीज वो खुश्क हो जाएगी, हाँ वो जो आपने पहले लुक देखी है, हाँ जब हम उसको फ्राई कर वो ही आ जाएगी। सही बात है, उससे बेहतर लुक आ रही है। और घी अब बिल्कुल साइड पे आ गया है, अब डलेगा इसके अंदर धनिया और मेथी थोड़ी। वाह जी वाह, वाह बेहतरीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साजिद ने बड़े दिल से बड़े शौक से बनाई है चिकन, और खुशबू तो इतनी आ रही है पूरे के पूरे किचन में खुशबू फैली हुई है। आई विश कि मैं ये खुशबू आप लोगों को भी भेज सकती, खाकर अभी बताएंगे कि कैसी बनी है। और ये ऊपर चली गई थोड़ी सी सूखी, बड़ी खुशबूदार मेथी है हमारी ये लो जी। और अब मजीद इसको हम 10-15 मिनट दे देंगे दम। लेकिन ये है हमारी कढ़ाई की फाइनल लुक, आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर ये रेसिपी आप ट्राई करें, आपको अच्छी लगे, तो फिर साजिद से हम कहेंगे कि हमें वाइट कढ़ाई भी किसी दिन बनानी, बता दें जी। उम्मीद करता हूँ कि बाजी को भी पसंद है और आपको भी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर इन द नेक्स्ट वीडियो में हम वाइट कढ़ाई बनाएंगे और बाजी को इंशाल्लाह पसंद आएगी। थैंक यू। हाँ ये तो मुझे बहुत मज़े की लगी है, अमेजिंग। तो जी मुजीब आप भी सलाम दुआ कर लें। अस्सलाम वालेकुम, और मेरी तमाम दुआएं आप सब के लिए। तो मुजीब भी पहुंच गए हैं, और जो कढ़ाई है मुजीब आज आपके ड्राइवर ने बनाई हुई है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, तो बख्तावर भी आ गई है, गरम गरम रोटी बनवाते हैं और साथ बनी हुई है चने की दाल। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि मैं कुछ शेयर कर लूं कमेंट्स। ओके मुझे अभी ये लबन डे ठहर जाए, नहीं ढूंढ रहा हूं अभी। अच्छा जी, होता क्या है ना कि कुछ तो मेरी बहनें ऐसी हैं कि जो इस ताक में होती हैं कि भाई ये व्लॉग लगाए और हम इसके ऊपर जो है ना अपने जले दिल के फफोले फिर फोड़े। ये भी होती है, ये भी एक खास कौम है, और ये जो कौम है ना ये बड़ी ही मजेदार कौम है, फर्स्ट दर्जा लोअर। किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जिनकी कोई नो कमेंट्स। बहरहाल ये है जी, मैं आपको अब बताती हूं कि कौन कौन है। इस तरह से रिप्लाइज का एक चेन शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ जो मेरी बच्चियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिनका दिमाग रोशन है और वसी है, वो तंग तंग इतने इतने से मटर के दाने के बराबर जिनके दिमाग नहीं है ना, और जो ये दो कानों के दरमियान अल्लाह ने इतना अच्छा ये दिया हुआ है दिमाग, वो इस्तेमाल करती हैं, वो बीच में रिप्लाई भी कर रही हैं मेरे फेवर में। लेकिन जी ये देसी लाइफस्टाइल वाली कहती हैं कि आप नमाज कैसे पढ़ती हो,
मैं बड़ी खुशी खुशी जी आई हूँ। मैंने बताया है कि मैं लाहौर ट्रेवल कर रही हूँ और उसके बाद मैं ट्रेवलिंग और अपना कोई फंक्शन हो तो फिर मैं उसको खुद ही उतार देती हूँ नेल पॉलिश को। ये अब ये देसी जो लाइफ स्टाइल वाली इनको फिक्र पड़ गई है मेरी नमाज की, है जी। आप नमाज कैसे पढ़ती हो? वसीमा मिर्जा कहती है नेल पॉलिश इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू नमाज, हा 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 वाली इमोजी आगे, ठीक है। नौशीन आगे से कहती है जी इनको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। फिर साइमा है कोई 4452, वो कहती है प्लीज बी नाइस, नो नीड टू हर्ट एनीवन। फिर फातिमा नूर कहती है कि मामा यूज ब्रीदेबल नेल पॉलिश, उससे नमाज हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट एक डॉट है किसी ने लगाया हुआ, पता नहीं अब कौन सा वो है, उन्होंने ये नौशीन को, नौशीना जिन्होंने मुझे कहा है कि इनको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, उनको लिखा हुआ है हाउ मीन, बिल्कुल सही लिखा है। फिर जेनी जेनिफर मैरी कहती है कि कुछ पता नहीं क्या वाली कौम दूसरों की नमाज की फिक्र है, ठीक है सही। वली कौम, हाँ। वली कौम WALI वली कौम दूसरों की नमाज की। और अमारा मरियम कहती है कि सारी यहाँ अम्मा हजने बनी हुई है, ठीक है सही है। अच्छा मैं मेरी बात सुन ले, जितनी भी इस तरह के जो मुझे करती है ना कमेंट्स, किचन में बाल बांध लिया करें, और जितने भी इस किस्म के कमेंट्स मुझे करती है या ये कि तुम्हारा ये मियाँ को इशारों पर नचा रही है ये वो, इनको जवाब तो मैं ऐसा दूं ना कि फिर सवाल ही पैदा ना हो। ये मैंने पहले भी एक दफा बात कही हुई है, जो आप कर रही हैं उसका जवाब आपने देना है, जो मैं कर रही हूँ उसका जवाब मैंने देना है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि आपने मेरा दिल दुखाया है, और मैं जो मेरा मुझे हर्ट करे या जिससे मुझे तकलीफ हो मैं उसको माफ नहीं करती। सही है। सो यू हैव अ बर्डन ऑन यू, मैंने आपको हर्ट नहीं किया, आपने मुझे हर्ट किया है विदाउट आउट ऑफ द वे। और ये बाय द वे हर घर में ये हो रहा है, फैमिलीज हैं, बहुएं आई हुई हैं, या कोई बूढ़ी सास है, जिठानियां देवरानियां, खुदा का वास्ता है तालीम हासिल करो, अपने दिमागों को खोलो, दिल बड़े करे एंड स्टॉप डूइंग दीज मेन थिंग्स एग्जैक्टली। बस वही वाली बात है इनमाला मालो बिन्नियात, और उसके बाद हर एक ने अपना अपना जो है ना जवाब देना है, किसी दूसरे ने कोई जवाब नहीं देना, ठीक है ना। जो इस तरह के कमेंट्स करके मुझे हर्ट करते हैं, लेट मी टेल यू आई विल नेवर फॉरगिव यू, सो लेट्स वेट, आप होंगे और मैं होंगी और अल्लाह होगा, और फिर मैं पूछूंगी कि आपने मेरा दिल क्यों दुखाया। और ये नोबडी कैन से कि जी नाखूनों पे पॉलिश हो तो ये हो तो फलाना हो तो ये, वो अपना अपना, अल्लाह ने हमें भी अकल दी है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को नहीं कुछ कहा। वही मैं कह रहा हूँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ा है विद तर्जमा पढ़ा है, और उसके बाद अहादीस पढ़ी है, ठीक है ना। और जिसने ये चीज के जी नाखून पर ये लगा दो नहीं होगी, फलाना करो तो ये नहीं होगी, फलाना करो तो, ये कीप इट टू योर सेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो करना है वो हम कर रहे हैं, और हमने जो जवाब देना है वो हमने अपना अपना जवाब देना है, आपने अपना जवाब देना है। जितने भी हैं ज्यादातर दे लव अस, और हमें भी उनका बहुत रिगार्ड है, लेकिन उसमें जो ये चंद लोग और चंद ये रताक में बीज मालोज फाफा कुटनियां बैठी हुई है ना, वो काइंडली या तो देखना बंद कर दे या फिर तैयार रहे, क्योंकि अगर मेरा कोई दिल दुखाएगा तो वो अल्लाह से पाएगा। और फिर व्हाट अबाउट दैट के जी खामिद को आगे लगाए, और भाई खामिद को लगाया हुआ तुम अपने खामिद को लगाओ ना, इस खामिद के बारे में क्यों बात करती हो, मुझे पता है कि मैं कितना आगे लगाऊं और कितना नहीं लगाऊं, जस्ट लीव इट टू मी। ये अब जितने भी लोग ये कहते हैं ना वो उनको जो है वो इसका जवाब मिल गया ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।